गैर जिम्मेदारना बयान है, दानानी का बयान है ये। हम वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी कई से 11 जो विधायक जीते हैं उनमें से हैं। अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल देना चाहिए उनको। और पहले ही मैं तो कह चुका हूँ कि कोई भी बात होगी तो जब भी उचित समय होगा तो उचित समय से आप लोगों को अवगत करा देंगे। एक आपका बयान आया था कि आजम खान की रिहाई के लिए अगर नेताजी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करती तो उनकी रिहाई हो जाती। क्या लग रहा था कि क्या वाकई इसमें कहीं कमी रहेगी अगर इस चीज की सूचना नेताजी तक नहीं पहुंची, या इनका प्रयास नहीं था? देखिए, आजम साहब के साथ जुर्म हो रहा है, छोटे छोटे केस लगाए जा रहे हैं, बराबर लगाए जा रहे हैं, और वो समाजवादी पार्टी के सबसे सीनियर विधायक हैं, विधानसभा में सबसे सीनियर विधायक हैं, 10वीं बार विधायक चुने गए हैं, एक बार सांसद भी रहे, एक बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे, तो लोकसभा में भी जब सदस्य थे तो उनकी आवाज़ लोकसभा में भी उठानी चाहिए था, विधानसभा में भी उठानी चाहिए था उनसे, जब सबसे सीनियर विधायक हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि नेताजी की अगुवाई में पूरा देश जानता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नेताजी का सम्मान करते हैं। हम वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी कई से 11 जो विधायक जीते हैं उनमें से हैं। अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल देना चाहिए उनको। और पहले ही मैं तो कह चुका हूँ कि कोई भी बात होगी तो जब भी उचित समय होगा तो उचित समय से आप लोगों को अवगत करा देंगे। एक आपका बयान आया था कि आजम खान की रिहाई के लिए अगर नेताजी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करती तो उनकी रिहाई हो जाती। क्या लग रहा था कि क्या वाकई इसमें कहीं कमी रहेगी अगर इस चीज की सूचना नेताजी तक नहीं पहुंची, या इनका प्रयास नहीं था? देखिए, आजम साहब के साथ जुर्म हो रहा है, छोटे छोटे केस लगाए जा रहे हैं, बराबर लगाए जा रहे हैं, और वो समाजवादी पार्टी के सबसे सीनियर विधायक हैं, विधानसभा में सबसे सीनियर विधायक हैं, 10वीं बार विधायक चुने गए हैं, एक बार सांसद भी रहे, एक बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे, तो लोकसभा में भी जब सदस्य थे तो उनकी आवाज़ लोकसभा में भी उठानी चाहिए था, विधानसभा में भी उठानी चाहिए था उनसे, जब सबसे सीनियर विधायक हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि नेताजी की अगुवाई में पूरा देश जानता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नेताजी का सम्मान करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के लोग धरने पर बैठ जाते लोकसभा में और नेताजी को भी बैठा लेते तो मोदी जी ज़रूर उस पर विचार करते। जो छोटे छोटे कोई इतने केस 72 केस और 4 महीने से, तो एक छोटे केस में उसमें भी बेल हो जाना चाहिए था, रिजर्व रखा है, तो उसमें भी निर्णय नहीं दे रहे हैं, तो उनके साथ तो जुल्म हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, कहीं पर भी जुल्म और ज्यादती होती थी तो संघर्ष करते थे, तब वो मुझे संघर्ष दिख नहीं रहा समाजवादी पार्टी, इसलिए मैंने ये बयान किया। अच्छा, मायावती के लिए कहा जा रहा है।